हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं अभी बैठी थी शाम को कॉलेज से आकर के, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर ली जाए। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत दिन से इत्मीनान से बैठ करके मैंने आप लोगों से बात भी नहीं की। और आजकल व्यूवर्स मेरे चैनल पर बहुत कम हो गए हैं, उसका कारण ये है कि मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। उसके लिए सॉरी, मुझे टाइम इतना ज़्यादा अभी नहीं मिल रहा है इस चक्कर में। तो कैसे हैं आप सब और क्या चल रहा है। तो आप लोगों ने मेरी किचन वाली वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट मुझे किए हैं और बैरागढ़ वाली वीडियो पर भी बहुत ज़्यादा कमेंट मुझे किए हैं। आप लोगों का कहना है कि सूट का वीडियो बनाइए या फिर जो राजस्थानी सूट आते हैं उनके बारे में बताइए। तो जब भी मैं बैरागढ़ जाऊंगी तब आप लोगों को उसके बारे में पक्का बताऊंगी। और एक दीदी का क्वेश्चन था कि आप हमें सूट के बारे में बताएं, आप जो पटियाला सूट पहनती हैं। तो हाँ, मैं पटियाला सूट पहनती हूँ, उसकी स्टिचिंग और वो सूट कहाँ से मैं ख़रीदती हूँ वो सारा कुछ मैं आपको अपने एक सेपरेट वीडियो में दूंगी। जब भी मैं सूट खरीदने जाऊंगी तो आप लोगों को पक्का उसके बारे में बताऊंगी, उस शॉप के बारे में बताऊंगी जहाँ से मैं पटियाला सूट खरीदती हूँ। और उस सूट में जो है 3-3.5 मीटर की सलवार आती है और उसके साथ दुपट्टा आता है और 1000 के अंदर ही वो सूट आ जाता है, मतलब अगर आप नॉर्मली घर में पहनने के लिए ख़रीदना चाहती हैं तो। और इसके बाद 12 डब्बों के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं कि आप अपने 12 डब्बे मतलब आपने कैसे ख़रीदे हैं, कौन सी स्टील के हैं और इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैंने उसके लिए आप लोगों को सेपरेट वीडियो बना करके दिया है, आप लोग जाइएगा मेरे चैनल पर और देखिएगा। और मेरा किचन वाला वीडियो, हल्दी वाला वीडियो और डब्बे वाला वीडियो, इसके बाद में मैंने बैरागढ़ की शॉपिंग वाला वीडियो डाला था, ये कुछ वीडियो हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो जो लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्यार मुझे इस चैनल पर मिल रहा है। और कैसे हैं आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे चैनल पर बनाए रखिएगा, मैं अपनी रियल लाइफ आप लोगों को दिखाती रहूँगी इसी तरीके से। और इसके साथ साथ में अभी क्या है कि देखिए, इतने टाइम से कॉलेजेस बंद थे, पढ़ाई बिल्कुल बंद थी, घर में बैठ करके हम लोगों ने पढ़ाई की बट कॉलेज जाना नहीं हुआ। और क्योंकि घर में बैठ करके पढ़ना तो आप लोग समझते ही हैं, जब टाइम मिला तब पढ़ लिया, लेकिन अब एक रूटीन बन गया है कि सुबह 6 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि सुबह 6 बजे उठने के बाद में घर के काम रहते हैं, क्योंकि बच्चों को मैं घर पर छोड़ के जाती हूँ, उसके बाद रिंकू रहती है वैसे बच्चों के पास में, बट फिर भी बच्चों को घर पर छोड़ करके जाती हूँ और जितना बनता है घर का काम मैं करवा करके चली जाती हूँ। और इसके बाद में फिर सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि मैं मोबाइल उठाऊं। और इसके बाद में शाम को 5 बजे वहाँ से छुट्टी होने के बाद में मैं 6 बजे 6:15 तक घर आती हूँ, सब्जी वगैरह खरीद के, फ्रूट वगैरह खरीद के, जो भी चाहिए होता है ज़रूरत का सामान उस हिसाब से। तो इस चक्कर में 6:30-7 मुझे घर पे आके थोड़ी देर चाय वाय पीती हूँ, बैठती हूँ, तो इतना टाइम लग जाता है। इसके बाद में मैं क्या करती हूँ, इसके बाद में थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, बैठती हूँ, फिर हम लोग खाना वाना बनाते हैं। तो खाना शाम का अधिकतर टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोग देखते भी हैं। तो इसी के साथ साथ और फिर इसके बाद में 9 बजे के बाद पढ़ाई का टाइम हो जाता है और उस दौरान भी मैं आप लोगों से कभी कभी बात कर लेती हूँ बीच बीच में, लेकिन मैंने आप लोगों का साथ इतनी परेशानी में भी नहीं छोड़ा है। और आप लोग भी मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा, मुझे इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। और देखिए, मैंने अपना कॉलेज वाला वीडियो भी आप लोगों को बताया था जितना हो सका उतना, और आगे भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक्चुअली थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, ताकि थोड़ा सा सेटअप बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और देखिए, रास्ते में कितनी बड़ी पार्वती नदी पड़ती है मधुबदा पुल पर, वो भी मैंने आप लोगों को बताई और किस किस ने जाकर के देखा है मेरा वो वीडियो। वो बहुत ही अच्छा, मतलब पुल मैं कहूँगी, पुल पड़ता है रास्ते में और बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब मैं ये कहूँगी देखने लायक। और सुबह शाम वहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, इतनी ज़्यादा शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा। और वहीं पर पास में है सैर सपाटा, तो हम लोग किसी दिन चलेंगे वहाँ पर घूमने के लिए, आपको घुमाऊँगी। हो सका तो मेरे बेटे के बर्थडे वाले दिन चलेंगे, मैं कॉलेज से छुट्टी कर लूँगी, फिर आप लोगों को भी घुमाऊँगी और बच्चों को भी घुमाऊँगी वहाँ पर।
तो कैसे हैं आप सब, और इसी तरीके से आप सब मेरे साथ बने रहिएगा। और मेरे साथ वाले कई लोग अपना अपना चैनल जो है, सबका चैनल आगे बढ़ चुका है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मेरे साथ वाले लोग, मतलब मैं ये कहूँगी कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की अपने चैनल को बनाने में। और सच बताऊँ ना, जिस दिन मैंने चैनल अपना स्टार्ट किया था उस दिन, मतलब मुझे इस चीज़ का आभास भी नहीं था, मतलब इस चीज़ के बारे में कुछ पता भी नहीं था। और वैसे भी मैं पहले से मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाती थी, तो मोबाइल के बारे में भी मुझे ज़्यादा पता नहीं था। बट मेरे बेटे ने मुझे यूट्यूब चैनल बनाना बताया, और वो देखिए कितना छोटा है, 8 ईयर ओल्ड, और उसने मुझे यूट्यूब चैनल बनाना बताया, वीडियोज़ डालना बताया। फिर मैंने धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी वगैरह के चैनल्स देखे, फिर वहाँ से मैंने सीखा कि किस तरीके से हम लोग वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, उसको अपलोड करते हैं। फिर बहुत दिनों तक मुझे थंबनेल डालना नहीं आया, फिर मैंने थंबनेल डालना सीखा, उसका साइज पता किया, जस्ते से करके बहुत वीडियोस देखे मैंने। और इसके बाद आज देखिए हम इस मुकाम पर हैं कि आप लोग के साथ हम लोग बात कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। और मतलब मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि जो भी नया काम शुरू हम लोग करते हैं उसमें थोड़ी सी सफलता मिले हमें, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये सब खुशी जो है आप लोगों के कारण ही है। आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, और कई लोग बहुत ही अच्छे हैं मेरे साथ में, मतलब जो लोग मुझे देखते हैं, एंजॉय करते हैं, और जो लोग मुझे सजेशंस भी देते हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं कुछ लोग। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और मैं अपनी घर की ज़िंदगी, कॉलेज की लाइफ, और बच्चों के साथ एंजॉयमेंट, अपने परिवार के मूवमेंट, सब कुछ आप लोगों को बताती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल पर जाकर के नहीं देखे मेरे फैमिलीज़ के वीडियोस, मेरे मायके वाले, ससुराल वाले, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर्स, मेरे पापा मम्मी, तो सब लोगों को जा कर के देखिएगा। और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, और आप लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिया है उन पर। तो इसी तरीके से आप लोग जो है मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और मैंने प्लांट के भी मेरे कई वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि प्लांट मैंने कौन कौन से लगाए हुए थे। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक पौधे के बारे में, जिसमें बहुत सारे फूल जो हैं अभी निकले हुए हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को कि कौन कौन से फूल जो हैं निकले हुए हैं। तो देखिए, ये हमारा छोटा वाला गमला जो हम लोगों ने लगाया था ना, ये देखिए, देख रहे हैं ना आप, ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ना, एक छोटे से मतलब गमले में इतने सारे 10 से 12 फूल निकले हुए हैं। मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और इसमें देखिए कितने सारे फूल जो हैं निकले हुए हैं, 10 से 12 इस तरीके के फूल होंगे। देखिए, ये देखिए कुछ तो निकलने वाले हैं, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, और जामनी कलर में है, पर्पल कलर में ये। ये देखिए फूल को मैं बिल्कुल करीब से आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं फूल। और ये मैंने आप लोगों के साथ में ही लगाए हुए थे, ये पौधा हमने एक साथ में लगाया हुआ था, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि ये वाला पौधा देखिए हम लोग लगा रहे हैं, और रियली में ये ऊपर टंगा हुआ है और बहुत ही प्यारा लगता है। और मतलब मैं ये कहूँगी कि इस तरीके के पौधे अगर हमारे मतलब टेरेस गार्डन में हो ना, तो इस टाइम में वैसे भी अब ये सर्दियों में ही फूलता है, इसके बाद में देखिए अब ये जो है पौधा अभी हरा हो रहा है, थोड़े दिन के बाद सूख जाएगा, बट ये देखिए अभी कितना प्यारा लग रहा है। तो देखिए, आप लोगों को मैंने दिखाया अपना पौधा कि किस तरीके से उसमें लगे हुए हैं फ्लावर्स, और टमाटर भी इधर लगे हुए हैं, कई सारी चीज़ें लगी हुई हैं, और एक रोज़ में भी रोज़ लगा हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको, छोटा है और बहुत सुंदर है, देखिए दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत प्यारा है ये भी। और अभी इसमें सिर्फ एक ही लगा हुआ है, और सारे जो हम लोगों ने प्लांट लगाए हुए थे सभी कुछ बढ़ गया है, और टमाटर में भी काफ़ी टमाटर आए हुए हैं।
तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर करती हूँ एंड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए, और इसी तरीके से मेरे वीडियोस में अपने मतलब अपना सपोर्ट करते रहिएगा। और जिन जिन का सपोर्ट मुझसे बनेगा वो लोग मेरे चैनल पर कमेंट कीजिएगा, मैं पक्का आप लोगों का नाम अपनी वीडियोज़ में बताऊँगी बोलूँगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी तरीके से आप लोग मतलब मेरे वीडियोज़ देखते रहिएगा और हम लोग साथ में चलते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।